हरा लाइटिस्ट ब्लू विथ लाइनिंग या फिर ज्वालामुखी फटे हुए वाली सीन जहाँ पे खूब सारा नीला और आजू बाजू में कुछ ज्यादा ज़्यादा लाल है या फिर एकदम ही नीला है इतने सारे रंग एक ही फिनोमिना के ये जो पीछे तुम फोटोज देख रहे हो दोस्तों ये इमेजेस टेलीस्कोप से ली हुई हैं डीप स्पेस की हैं क्रैब नेबुला की हैं जहाँ पे एक पल्सर है जहाँ पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है लेकिन एक ही चीज़ की इमेजेस जब टेलीस्कोप ले रहा है तो उसके इतने सारे रंग कैसे ये जो तुम वीडियो देख रहे हो इसके अंदर जो मेरी इमेज तुम्हें दिख रही है वो वही ट्रू कलर्स दिख रहे हैं जो मैंने पहने हुए हैं लेकिन जब मैं टेलीस्कोप की बात करता हूँ जब डीप स्पेस की बात करता हूं और जब वहां पे हम इमेजेस लेते हैं मोस्टली वो जो इमेजेस हैं वो विजिबल रीजन में नहीं होती हैं वो जो इमेजेस होती है वो या तो इंफ्रा या रेडियो या फिर यूवी या फिर एक्सरे इन रीजन में होती है बट ये रेस तो हमें दिखती नहीं तो इनमें कलर कहां से आया? यानी इन इमेजेस के साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होता है डू नासा मैनिपुलेट द इमेजेस आज के वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि, कि किस तरीके से टेलीस्कोप से जेम्स टेलीस्कोप हो या हब्बल स्पेस टेलीस्कोप हो कोई भी जो स्पेस टेलीस्कोप है इनके थ्रू जब इमेजेस ली जाती है डीप स्पेस की और फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जाता है उनमें रंग कैसे आता है वाई एंड हाउ वी गेट दोज वाइब्रेंट फिनोमिनाज लेट स्टार्ट दोस्तों लेकिन उसको समझने से पहले इस फोटो को देखना बहुत जरूरी है इस फोटो के अंदर दोस्तों तुम देख रहे हो कलर कोडेड डिजिट्स कलर कोडेड एक लाख डिजिट्स जो एक लाख डिजिट है उसमें जीरो से नौ तक के हर एक नंबर को कुछ ना कुछ कलर असाइन कर दिया गया है तो क्या मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अरेंज किया हुआ है नहीं दोस्तों लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन अच्छा बताओ यार जो पाई है उसकी पहली दस बारह डिजिट कैसी दिखेगी तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो पाई की डिजिट्स कैसी दिखेंगी वन टू थ्री फोर लिख दो वैसी दिखेंगी नहीं दोस्तों आई एम ट्रॉकिंग अबाउट द कलर क्योंकि आई एम ट्रॉकिंग अबाउट द कलर मुझे दिखता नहीं ना आई कांट सी इन यू वी आई कांट सी इन एक्स रे बट आई एम गेटिंग द कलर सो हैपनिंग इज दिस इन दिस इमेज पाई की पहली हंड्रेड थाउजेंड जो डिजिट्स हैं पाई बहुत बड़ा नंबर है ना उसकी जो पहली हंड्रेड थाउजेंड डिजिट हैं उनको कलर कोड कर दिया गया एंड दे विल लुक समथिंग लाइक दिस आई थिंक दिस गिव्स यू द दईडिया कि किस तरीके से हम किसी भी चीज को विजुलाइज कर सकते हैं अब अपन वापस आ जाते हैं अपनी स्पेस की बातों पे दोस्तों इफ यू टॉक अबाउट स्पेस तो ये है हमारा कैरना नेबुला काफी बड़ा है इसको तो माना जाता है इट्स द किचन जहाँ पे खूब सारे स्टार्स बनते हैं ये फोटो जो है दोस्तों ये फोटो ली गई है हबल स्पेस टेलीस्कोप से हबल की खास बात यह है कि हबल जो है वो काफ़ी वाइड रेंज में जो है ऑब्जर्वेशन कैप्चर करता है वो हाई एनर्जी में भी कैप्चर करता है और वो इन्फ्राइड में भी कैप्चर करता है लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है सिंस उसकी रेंज ज़्यादा है उसके पास कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं क्या है वो परफॉर्मेंस इश्यूज़ जब हबल डीप स्पेस में देखता है तो वो काफ़ी पीछे देख पाता है बिल्कुल वो ये देख पाता है कि जो फिनोमिनाज हो रहे हैं जो हाई एनर्जी फिनोमिनाज हो रहे हैं उनको कैप्चर कर पाता है बिल्कुल लेकिन जब बात आती है इन्फ्रा रीजन के अंदर ऑब्जर्वेशन की तो हबल जो है जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से बेंगलोर ज़्यादा दूर है हबल ज्यादा पास है हबल धरती से साढ़े पाँच सौ किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में घूम रहा है अब उस हाइट पे हबल के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हबल को मिलता है खूब सारा हीट फ्लक्स इंफ्रारेड रेडिएशन को अगर मुझे ऑब्जर्व करना है तो जो मेरी ऑब्जर्वेटरी है जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए दैट वॉज वन ऑफ द रीजन कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बहुत दूर हबल जितना दूर है हमसे उससे तकरीबन तीन हजार गुना डिस्टेंस दूर भेजा गया पंद्रह लाख किलोमीटर दूर भेजा गया जिससे कि उसके पास एक कंट्रोल आ जाए वो है उसका टेम्परेचर कंट्रोल हबल के मुकाबले अगर मैं जेम्स वेब की बात करूँ तो जेम्स ऑफ स्पेस टेलीस्कोप इंफ्राइड रीजन में देखता है मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट में एक बच्चे ने कहा था कि अगर इंफ्रारेड रीजन में देखता है तो वो एक पर्टिकुलर नेबुला की डस्ट देख पा रहा है किसी दूसरे नेबुला की डस्ट नहीं देख पा रहा वो ट्रांसपेरेंट कैसे हो जाती है उसके लिए दोस्तों जो जेम्स ऑफ स्पेस टेलीस्कोप है वो दो रेंजेस में देखता है जो नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड है वो दो रेंजेज हैं एक रेंज है जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए हमें पचास कैलविन के आसपास एक ऐसी रेंज है जिसमें एक्टिव कूलिंग करके टेम्परेचर लिया जाता है पाँच कैलविन छविन के आसपास जब मैं छल्विन टेम्परेचर पे देख रहा हूं तो मेरी डेप्थ मेरे परसेप्शन मेरा जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाता है वो इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि जब मैं इस पार्ट को जूम करके देखता हूँ तो वो मुझे ऐसा दिखता है नाउ यू लुक एट द डिटेल्स ये मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं इस पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये हबल से ली हुई इमेज है एंड ये इमेज है जेम्स वेब की आई एम जूमिंग इन टू दिस पार्ट एंड लुक एट द डिटेल दिस गिव्स अस द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन नाउ लेट्स कंपेयर द टू हबल जो है उससे जो इमेज मिल रही है उसकी साइज है तकरीबन ते तेईस एम बी जो जेम्स वेब की इमेज है उसकी जो साइज है वो है डेढ़ सौ एम बी हबल बहुत पास में है इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है जेम्स वेब हमसे दूर है टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है तो अगर वो दूर है तो उतनी ही दूरी से तो ट्रांसमिशन होगा हबल जो है अगर उसके कंपैरिजन में जेम्स वेब की बात करूं तो जेम्स वेब का थ्रूपुट ज़्यादा यानी वो ज़्यादा इमेजेस कैप्चर कर रहा है वो इमेजेस साइज में भी बड़ी हैं यानी नंबर भी ज़्यादा साइज में भी बड़ी है इसलिए उसका ट्रांसमिशन भी प्रॉपर होना चाहिए अब सवाल आता है ट्रांसमिशन कैसे पहली चीज हमने देखी कि इमेज कैसे लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं तो यहां पे जेम्स वेब है यहां पे हबल है हबल पास में है उससे दूर हमारा चांद है और उससे दूर जेम्स वेब है अगर मुझे इमेज ट्रांसफर करनी है इट हैज टू कम इन द फॉर्म ऑफ डेटा डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू तो इमेज मिलेगी और वो जो डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू इमेज मिलती है उसके लिए हम डिपेंडेंट हैं स्पेक्ट्रम पे यहां पे दोस्तों थोड़ा सा थोड़ा सा यू ब्लूटूथ तो क्यों? यूज करते हो वाई वाईफाई हॉटस्पॉट देते हो हाँ। वो जो तुम रेंज की बात करते हो दोस्तों वो ये वाली रेंज है। देखो यहां लिखा हुआ होगा ये रहा है ना जीपीएस पी एस वाई फाई फोर जी राइट तो ये जो रेंज है जीपीएस वाई फाई फोर जी यहां देखो ठीक है ये लिखा हुआ के ए बैंड दिस इज के ए बैंड ठीक है और यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन ठीक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडियो एस्ट्रोनॉमी तो अगर मैं बात करता हूं इस रेंज की देखो तो जीपीएस वाईफाई एस वाई 4G के रेंज कितनी है 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट और यह 3 गीगा हर्ड है थर्टी गीगा हर्ट्स नाउ कम डाउन टू दिस टेबल इस टेबल में यहां पे क्या लिखा हुआ है गीगा हर्ट गीगा हर्ट के टेबल में मैं जाऊं तो मुझे देखना यहां पे 3 गीगा हर्ट्स ये लिखा हुआ है 3 गीगा हर्ट्स एस बैंड यानी जो बैंड है एस बैंड जिसको कहता हूं ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो स्पेसिफिक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी उसमें बात अगर कर करूं तो एक है मेरे पास एस एस बैंड 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 वो band है जो तीन गीघा हर्ड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है जैसे कि मेरा ब्लूटूथ है मेरा वाईफाई है जीपीएस है वो जो काम कर रहा है एक है मेरे पास के बैंड के बैंड का एक है के अब उसको कहते हैं का एक है के अंडर उसको कहते हैं कू का बैंड की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ दी सेटेलाइट जो है वो का बैंड में काम करती है टेली सेटेलाइट जो है तो का बैंड जो है उसका रेंज है 30 से 40 के बीच यहां जाके देखें तो 30 गीगा खर्च की जो रेंज है दैट इज कम्युनिकेशन तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड बैंड यूज होता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी उसी बैंड में काम करता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास दो पॉसिबिलिटी है वो का बैंड में काम कर सकता है और वो एस बैंड में काम कर सकता है एस बैंड को यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए और का बैंड को यूज किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए अब सवाल ये आएगा का बैंड का डेटा ट्रांसमिशन वट इज द स्पीड ऑफ दिस दोस्तों इसकी स्पीड जो है जियो फाइबर से कम है जो जो ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड आ रही है तो जियो फाइबर या एयरटेल की जो स्पीड आती है जो डेढ़ सौ एम बी जाती है उतनी नहीं है इट इज अराउंड ट्वेंटी एट टू थर्टी एम बट देन दैट इज सफिशियंट उस रेट से हम एक पूरे दिन में 50 से 55 जीबी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं जो जेम्स एफ स्पेस टेलीस्कोप है उसके ऊपर जो हमारे पास स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है वो है समवेयर अराउंड सिक्सटी सेवन जी तो अब तुमको लगेगा यार सिक्सटी सेवन जी तो डेटा अवेलेबल है खाली ऊपर जो स्पेस अवेलेबल है और एक दिन में हम पचास पचपन जी ही डाउनलोड कर पाते हैं अगर किसी दिन डाउनलोड नहीं कर पाए तो एक्चुअली दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट जेम्स ऑफ स्पेस टेलीस्कोप तो उसमें डेटा ट्रांसमिशन डेटा कब ट्रांसमिट किया जाएगा कौन सी साइकिल कब होगी कब क्लिक करी जाएंगी इमेजेस ये सारी प्लानिंग तीन से चार महीने पहले करी जाती है यानी आज इस वक्त जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी प्लानिंग आज से चार महीने पहले कर दी गई थी तो अब दो बातें कवर हो गई पहली कि जब मुझे डीप स्पेस की इमेजेस देखनी है तो मुझे मेरे टेलीस्कोप के बारे में क्या ध्यान रखना है जैसे कि अगर मुझे इंफ्रारेड रीजन में देखना है तो मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट को ठंडा रखना पड़ेगा ठीक है भाई हमने कैसे क्या किया हमने जेम्स वेब को दूर भेज दिया फिर बात आई जब जेम्स वेब ने फोटोज क्लिक करी है जो इमेजेस उसको मिली है उन फोटोज को जब धरती पर भेजना है तो हम क्या करेंगे तो हम का बैंड को यूज करके 28 से 30 एम की स्पीड पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं और वो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक दिन में पचपन जीबी के आसपास डेटा हम डाउनलोड कर लेते हैं फाइन नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग मैंने फोटो खींच ली और ट्रांसफर कर दी बट वो फोटो जो है मुझे वो चाहिए भी तो ब्यूटिफुल फोटो चाहिए ना आई नीड टू गेट इन द डिटेल्स कैसी डिटेल्स आई नीड टू गेट इन सच डिटेल्स अब ये डिटेल्स कहां से मिलेगी देयर कम्स दर्ड आस्पेक्ट थर्ड आस्पेक्ट क्या है अब यहां देखो यहां पे दो इमेजेस हैं एक है ग्यारह दिन जब हबल ने डीप स्पेस में देखा तो क्या दिखा और जब तेईस दिन तक उसी स्पॉट को देखा तो क्या दिखा कैन यू सी द डिफरेंस ये है तेईस दिन ये है ग्यारह दिन अब यहां देखना सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन राइट डुप सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी मेरे पास रोशनी तो आ रही है लेकिन उस रोशनी को मुझे अपने एक अपर्चर के थ्रू कैप्चर भी तो करना है तो जब हबल जो है जो तेईस दिन लगातार देखता है तो उसको जो इमेज मिल रही है अगर मैं इसको कंपेयर करूं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इन बातों को ध्यान में रख के बनाया गया कि उसको बड़ा अपर्चर दिया गया यहां पे मेरे क्लास ट्वेल्थ के जो दोस्त हैं वो इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की जो हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के अंदर जहां पे हम पढ़ते हैं कि भाई जो टेलीस्कोप है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको बड़ा बनाया जाता है जिससे कि वो ज़्यादा रोशनी कैप्चर कर सके क्यों क्योंकि जितनी ज्यादा वो रोशनी कैप्चर करेगा वो उतनी ही बढ़िया ब्राइटर और उतनी ही क्रिस्प इमेजेस देगा वो उतनी ही इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन करेगा दैट वी कैन सी हेयर ये 11 दिन वाली इमेज है और ये हबल की तेईस दिन तक जब एक ही स्पॉट से इंफॉर्मेशन लेता गया लेता गया उसकी इमेज है अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ जेम्स वेब से तो जो काम सात दिन में हबल करता है जेम्स वेब उसको एक दिन में कर सकता है जो हबल एक महीने में करता है जेम्स वेब उसको सात दिन में कर सकता है लेट सी दिस दिस इज हबल दिस इज जेम्स वेब कैन यू सी द डिफरेंस हबल जेम्स वेब डिटेल बढ़ गई है इंफॉर्मेशन बढ़ गई है नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज इट पॉसिबल वो क्या चीज है वो क्या कॉन्सेप्ट है जो हबल से जेम्स वेब वाली इमेज को इतना क्रिस्प इतना क्लियर इतना वेल well रेजोल्यूशन वाला बना रहा है द आंसर लाइज इन बेसिक फिजिक्स जो खबल है उसका प्राइमरी मिरर का अगर ये साइज़ है दिस इज़ फॉर एग्जांपल एक इंसान खड़ा है तो उसके कंपैरेटिवली अगर ये साइज है तो जो हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसका जो प्राइमरी मिरर है वो खबल से तकरीबन 270 परसेंट बड़ा है इतना बड़ा है यानी वो ज़्यादा रोशनी को कैप्चर कर पा रहा है मैंने फिर यहाँ पे एक बात फिर से एम्फोसाइज करूंगा दोस्तों कि रोशनी ज़्यादा कैप्चर कर रहा है क्योंकि मुझे इंफ्रा रेड रीजन में देखना अब तुम बोलोगे इंफ्रा रेड रीजन में ही क्यों देखना है तो मैंने ऑलरेडी जेम्स वेब के ऊपर दो वीडियोस करे हैं जहां पे आई हैव डिस्कस दिस थिंग्स कि हाउ इंफ्रा रेड हेल्प इन लुकिंग बैक इन टाइम हाउ टेलीस्कोप हेल्प इन लुकिंग बैक इन टाइम हबल के थ्रू जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे तेरह पॉइंट चार बिलियन ईयर पीछे का मुझे स्पेस या यूनिवर्स के फिनोमेना दिखते हैं जेम्स वेब से मुझे 100 मिलियन ईयर का एक बेटर ऑप्शन मिला है तो तुम बोलोगे कि सर 13.4 बिलियन एंड 13.5 बिलियन ईयर्स बस 100 मिलियन ईयर्स का गैप है तो फिर इतना ज्यादा कंपैरिज़न और इतनी वाह वाही जेम्स वेब की क्यों हो रही है द रीजन बीइंग जेम्स वेब इज गिविंग अस मोर डिटेल्ड इमेजेस एंड हाउ इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टू थिंग्स

राइट नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट अब ये बात आती है कि जो अलग अलग इमेजेस ली जाती ना, है ना अपन बोलते हैं भाई ये तो विजिबल रीजन में है ये तो रेडियो रीजन में ये तो रीजन में ये तो यूवी रीजन में है वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन देती है लेट्स गो थ्रू दिस टेबल एंड हैव अ लुक अगर मैं बात कर रहा हूं गामा रेज की तो गामा रेज मुझे कहां मिलेगी गामा रेज मुझे मिलेगी

डिस्कशन आया था कि गामा बस्ट मिला है जिसका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है एंड देन देवर लॉट मेनी वीडियोज ऑन दी इंटरनेट कि भाई व्हाइट होल कंफर्म हो गया नासा ने वाइट होल कंफर्म कर दिया हो सकता है नासा ने ऐसा कुछ बोला ही ना हो लेकिन फिर भी व्हाइट होल कंफर्म हो गया था एंड सो मेनी क्वेश्चन आज तुम्हें कि सर वाइट होल कंफर्म हो गया है क्या तो ऐसा कुछ ही नहीं था बट हाँ एक गामा बस्ट ऑब्जर्व हुआ था लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था ये बात सच है ठीक है देन एक्सरेज आर फ्रॉम द सुपर नोवा रेमिनेट्स याद रखनी है चीज एक्सरेपर नोवा रेमिनेंट्स में मिलती है अल्ट्रावायलेट वायल्ट मुझे सुपरनोवा रेमिनेंट्स में मिल सकती है या फिर वेरी हॉट स्टार्स में याद रखना यानी अगर कहीं सुपर नोवा हुआ है तो मुझे अल्ट्रावायलेट और एक्सरे मिल सकती है रिमेंबर दिस थिंग क्यों क्योंकि दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इमेज दिस वाज द वेरी फर्स्ट इमेज ऑफ दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड दिस तो यहां पे जो तुम देख रहे हो ना दोस्तों यहां पे सेंटर पे तुमको दिख रहा है पल्सर उसके चारों तरफ ये जो हरा पार्ट दिख रहा है इसको कलर कोड किया गया है ये है रेडियो रेंज में ये है रेडियो रेंज में जो ऑब्जर्वेशन ली गई है रेडियो रेंज की ऑब्जर्वेशन मुझे बता रही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में घूमते हैं तो वो जो एनर्जी रेडिएट करते हैं अगर मैं उसको कलर कोड करूं तो यहाँ पे सिर्फ हरा हरा दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पल्सर एट देंटर ये पल्सर कैसे बना था क्योंकि यहां पे हुआ था एक बहुत ही भयंकर वाला सुपरनोवा एक्सप्लोजन 1054 AD फिफ्टी फोर एडी में हाउ डू आई नो द एग्जैक्ट ईयर नो आई डोट नो द एग्जैक्ट ईयर बट दिस इज दैलकुलेटेड टाइम और ये काफी सही है एज पर दर्वेशन जो अलग अलग रेफरेंसेज से मिलती है बट वो कैलकुलेट कैसे किया मैंने so if I look at this image, ये जो इमेज है जिसमें ब्लू पार्ट है वो बता रहा है हाई एनर्जी गैसेस और जो रेडिश आउटसाइड के जो पेरिफेरी है वो बता रहा है कि जहां से हाई एनर्जी हाइड्रोजन को पुश किया गया है हाइड्रोजन पुश होता है जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो अगर मैं आज एक ऑब्जर्वेशन लेता हूं जहां पे हाइड्रोजन यहां दिख रहा है और फिर मैं थोड़ी टाइम बाद एक और ऑब्जर्वेशन लेता हूं और मैं कल देखता हूं कि हाइड्रोजन कितना पुश हो गया कितना और ये बाहर निकल गया है कितना और ये एक्सपेंड हो गया है उससे मैं ये एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं कि अगर दस साल पंद्रह साल के गैप में अगर ये जो रेडिश पार्ट है ये अगर इतना मूव करा है तो यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा होगा

आई आर रीजन में ली हुई इमेजेस है ना आई आर कांट है व रेड कलर यानी यहां पे कलर कोडिंग करी गई है जहां पे ज्यादा हीट है वो जो ब्लू स्टेंज है जहां पे कम एनर्जी है वो रेड स्टिंज है ये विजिबल है ब्लू एट द सेंटर हाई एनर्जी एंड हाइड्रोजन ऑन दी पेरीफरी दिस इज इन दू वी एंड दिस इज इन द एक्सरे सेम क्रेब नेबुला को जब मैं एक्सरे के थ्रू ऑब्जर्व करता हूं उसकी साइज छोटी मिलती है जब मैं मैं यूवी यूवी के थ्रू ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता हूं उसकी साइज बड़ी मिलती है इट्स लाइक दिस कि अगर क्रैब नेबुला को UV में कर रहा हूं तो मुझे इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन अगर मैं उसको एक्सरे में ऑब्जर्व कर रहा हूं तो वो मुझे इतना छोटा दिख रहा है नो द क्वेश्चन इज वाई क्योंकि ये जो पार्ट है जो क्रैब नेबुला का पार्ट है जो एक्सरे इमिट कर रहा है वो पार्ट है जो उसके कोर सेंटर के पास है जहां पे टेम्परेचर इज वेरी हाई हाउ हाई एक्सरे कम फ्रॉम टेंट दी पावर सिक्स टू टेंट दी पावर एट कैलविन वो कौन सा पार्ट है क्रैब बैठा हुआ है वो जब जो जोर से इलेक्ट्रॉन को खेच रहा है तो इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा गर्म हो जा रहे हैं सुपर हॉट इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं ये वो पार्ट है जहां पे बीच में तो सुपर हॉट इलेक्ट्रॉन है और आजू बाजू से थोड़े से कॉल्ड है बट हाउ कॉल्ड दे आर देर इन द रेंज ऑफ टेंट दि फोर टू ट्वेंट दि सिक्स कैलविन सो दोस्तों